गुड मॉर्निंग टू ऑल। वीडियो ऑन कर ले अपने सारे लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, करें चैप्टर शुरू। आज का सब आ गए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी, मुझे फिर सुनता नहीं है आज के दिन के लिए। ठीक है महक जी। ओके ओके सर। चलो जी, पढ़ाई शुरू की जाए फिर। आश्विन, आपके यहाँ सिग्नल ठीक आता था पहले? सर वो मैं ना फोन पे क्लासेस लगा रही हूँ, अब लैपटॉप खराब है तो इस पे स्क्रीन छोटी दिखती है फिर। अच्छा, वीडियो ऑन करके है? मतलब वो पास रखना पड़ता है ना फोन पे। नहीं, वो तो खुशबू भी शायद पास रखती है और निवेदिता परिहार भी पास रखती है, तो उससे क्या स्क्रीन मतलब वो बीच में साइड में वीडियो आता है फिर वो तंग करता है। यस सर। अच्छा चलो, और देख लो भाई किसका वीडियो ऑन हो सकता है, कर लो। कम ही बच्चे हैं अभी तो। साक्षी कुमारी आ गई है आज हमारे बीच। चलो जी, करें अक्षिता पढ़ाई शुरू फिर। हाँ जी सर। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है जी, तो क्या होती है कैपेसिटेंस? देखो, अगर हमें पानी स्टोर करना है अभय राठौर, तो हम बाजार से क्या खरीद के लाएंगे? सर कोई भी वैसे ला सकते हैं। वेरी गुड, कोई बर्तन ले आएंगे, है ना। ऐसी अगर हमें करना हो चार्ज स्टोर, तो हम बाजार से लाते होते हैं कंडक्टर। ठीक है जी, अब जब हम बाजार से कंडक्टर लाएंगे और आप उसको चार्ज देंगे, मानो ये आप क्यों चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज स्टोर करने से क्या होगा, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचीव होके मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज लीक कर जाएगा। मतलब बाल्टी पानी भर रहे हो, बाल्टी लीक कर गई तो गड़बड़ हो गई। ऐसा ना हो इसलिए हम इसके पड़ोस में एक और कंडक्टर रखते हैं आइसोलेटेड। अब उसमें पैदा होगा माइनस क्यू, और उस केस में ये प्लस भी चल के इधर को आ जाएंगे, आपको पता है वो, और बाहर पैदा होगा प्लस क्यू। तो क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंडरी प्लेट है उसको किसी और प्लेट से या अर्थ से जोड़ देते हैं, ताकि ये सारा चार्ज जमीन में चला जाए। और ये जो सेटअप तैयार हुआ इक्वल अपोजिट चार्ज का, ठीक है, जिसकी सेकेंड प्लेट या तो अर्थ से जुड़ी है किसी और चीज से जुड़ी है, तो इस सेटअप को बोलते हैं कैपेसिटर। राइट, इतनी बात पता लग गई कैपेसिटर कैसे बनता है, ऐसे क्यों बनता है। अब कैपेसिटर में एक बात सुनना, दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल अपोजिट होना चाहिए। ठीक है साक्षी कुमारी, यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि एक प्लेट पे मान लो 10 कूलम चार्ज है, यहाँ 20 कूलम चार्ज है, तो बाय डेफिनेशन कैपेसिटर नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको कैपेसिटर, हमें पता है रूल,
हम 10 और 20 ऐड करेंगे वो 30। कल मैंने कोई सिखाया था क्वेश्चन 15 15, 5 माइनस और 5 प्लस, ये 4 जून कैपेसिटर कहलाएगा। तो यानी कि 4 जून कैपेसिटर क्या होता है? 4 जून कैपेसिटर होता है किसी भी प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्ज ऑन आइदर प्लेट, क्या हमें बात पता लग गई बच्चों? अब अगला ज्ञान, अगला ज्ञान क्या है? अगर कैपेसिटर यूं पड़ा हो ऐसे, तो इफेक्टिव एरिया भी तब ये गिनना होता है, क्योंकि चार्ज यही सरवाइव करेगा ना आमने सामने, तो तब ये वाला एरिया काउंट करना होता है। ये बेसिक सी बातें पता लग गई बच्चों। अब अगला ज्ञान, ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है, तो वी हायर माइनस वी लोअर को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वी भी लिख लेते हैं इसको, और वो डिपेंड करता है चार्ज पे। तो इक्वालिटी के लिए एक कॉन्स्टेंट लगता है, होता है सी, जहां से फॉर्मूला बनता है क्यू इक्वल टू सी वी। सी कौन कॉन्स्टेंट है? सी का नाम ही है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन, पहली बात डायमेंशंस पे करता है, दूसरी बात मीडियम पे करता है, ठीक है जी। और सी के जो यूनिट्स हैं वो एसआई में तो वैसे फैरड होते हैं, पर फैरड ना बहुत बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा कैपेसिटी तो किसी सिस्टम के बना ही नहीं पाते निवेदिता परिहार। तो इस करके इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं मैं बता दूं। प्रैक्टिकल यूनिट्स इसके होते हैं माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पाइको फैरड। तो पाइको हो गया -12, नैनो हो गया -9, माइक्रो हो गया -6, ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है। अब अगला सवाल एक मन में आता है कि भैया कैपेसिटर का यूनिट अलग क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि देखो, जैसा कि अभय राठौर ने कहा था, पानी स्टोर करने के लिए बाजार से बाल्टी लाऊंगा। अब बाल्टी पानी स्टोर करती है और पानी का यूनिट लीटर है, तो बाल्टी भी बाजार में लीटर के हिसाब से बिकती है। हम कहते हैं 20 लीटर की बाल्टी, 10 लीटर की बाल्टी, है ना। तो कैपेसिटर फिर कूलम के हिसाब से क्यों नहीं बिका? क्योंकि जब इसका काम चार्ज स्टोर करना है तो फिर कूलम के हिसाब से क्यों नहीं बिका? तो ऐसा है, देखो कैपेसिटर कूलम के हिसाब से क्यों नहीं बिका, क्योंकि बाल्टी चाहे चंडीगढ़ में भरो चाहे दिल्ली में भरो, उसने सेम पानी स्टोर करना है। पर कैपेसिटर का मीडियम से फर्क पड़ जाता है। अगर प्लेट्स में माइका होगा तो अलग कैपेसिटी आएगी, माइका ना हुआ तो कैपेसिटी अलग आएगी। तो मीडियम डिपेंडेंट है ये गेम। इस करके हमने कोई ऐसा यूनिट बनाया जो हमें खाली शेप एंड साइज बताए, तो कितनी कैपेसिटी हो वो हम मीडियम से खुद फैसला करेंगे, ठीक है दिनेश? यस सर। अब अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल है कि ये छोटे से एरिया में चार्ज स्टोर कर रहा है, यू का एनर्जी स्टोर कर रहा है। पता लग गया? Yes, sir. अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे क्यू और वी का, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें कैपेसिटी देगा। और अगर हम इसका एरिया निकालें, ये ट्रायंगल की शेप है, तो एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, तो अभी के लिए बस फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर आगे डिटेल करेंगे इसकी। देखो जी, इतना ज्ञान सी के बारे में हो गया। अमनदीप, अमनप्रीत कौर, यस सर। चलो अनन्या शर्मा आगे बढ़े। यस सर। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशंस दो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इनके बीच में दूरी d, एरिया a। तो हमें पता है यहां q, यहां माइनस q चार्ज। कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, c बाय डेल्टा v होगा। डेल्टा v कौन है? v हायर माइनस v लोअर। अब यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, और यूनिफॉर्म फील्ड में ED होता है। वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, यहाँ पे किनारों पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता, ऐसे हो जाती है लाइन। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमें निगलेक्ट ही करते हैं, हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं,
तो यानी कि ये बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू डी, और सिग्मा को लिखो क्यू बाय एरिया इनटू डी। तो यहां से अगर आप लोग क्यू बाय डेल्टा भी निकाल लोगे, फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन ए बाय डी। देखो आ गया ना मीडियम और शेप डिपेंडेंट खाली, क्योंकि ए डी ये क्या है डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट क्या है मीडियम। तो बस यही दो बातें हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि ये कैपेसिटर है और इसमें हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला मीडियम डाल रहे हैं, तो उम्मीद है क्लास कैपेसिटी को लिख पाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसे कह दे के सी नॉट। तो कैपेसिटी बढ़ गई ना वहां के ना। यस सर। और इसका मतलब अगर हम इसमें मेटल डाल दें, ठीक है, मेटल का तो के इन्फिनिटी होता है, कैपेसिटी इन्फाइनाइट हो गई, बोलो ओके। अब रुशाली शर्मा को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है सर आप अभी कह रहे थे फैरड बहुत बड़ा यूनिट है और एक फैरड कैपेसिटी नहीं मिलती है ना, और कहां आपने कैपेसिटी इन्फाइनाइट प्रूव कर दी। तो बातें कंफ्लिक्टिंग है। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मेरे को एक बार फोन किया एक बच्चे ने, कहता सर मैंने ना एक बाल्टी डिजाइन की है जिसमें कितना भी पानी भर लो बाल्टी कभी नहीं भरती। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा तो बहुत अच्छा साइंस स्टूडेंट बनेगा फ्यूचर के लिए। मैं गया उसके घर देखने, तो मैंने क्या देखा, उसने बाल्टी के नीचे से सारा उसका बेस ही हटाया हुआ है, तो यहां से पानी आता है और यहां से जमीन पे बह जाता है, तो बाल्टी कभी भी नहीं भरती। वाकई बिल्कुल सही बात कही उसने। तो यहां पर जब मैं कह रहा हूं कैपेसिटी इनफाइनाइट है, ध्यान से देखो, तो ये मेटल पड़ा है, यहां से आप चार्ज देते हो, मेटल कंडक्टर होता है, चार्ज सारा जमीन में चला जाता है, तो कैपेसिटी इसकी थोड़ी ना, एक्चुअली कैपेसिटी किसकी है पिक्चर में, अर्थ की। हाँ, तो अर्थ तो मैंने शुरू में कहा था कितना मर्जी चार्ज उसको लेन देन कर ही सकते हैं हम, है ना। तो ठीक है, यस सर। चलो आगे चले। नहीं, अर्थिंग तो दूसरी प्लेट की करनी होती है, याद करो दूसरी प्लेट को कहीं तो कनेक्शन देना ही पड़ता है ना। सर हाँ जी सर, 1 फैरड चार्ज जो आपने भी बताया, 1 फैरड का डिस्टेंस तो अर्थ का भी नहीं होता होगा। हाँ, अर्थ का भी नहीं होता। अर्थ का रियल लाइफ में कितना होता है बता देता हूँ आपको। अर्थ का होता है 711 माइक्रो फैरड, और सोचो हम इसी को इनफिनिट कहते हैं। मजे की बात देखो, यानी कि फिर से मेरी बात सुनो, एक फैरड तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया ना। इसका मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं अर्थ की कैपेसिटी भी 711 और हम उसी को इनफिनिट मानते हैं, यानी कि एक फैरड तो संभव ही नहीं है ना फिर बनाना, बहुत लार्ज कैपेसिटेंस बनेगा उसका तो साइज फिर। ठीक है। यस यस। चलो निवेदिता, आयुषी ठाकुर का आजकल क्लासेस क्यों नहीं लगा रही सर? वहां पे स्नोफॉल हुआ है, उसकी वजह से सर्वर डाउन है, नेटवर्क इशू। अच्छा, तो उनके यहाँ मोबाइल भी नहीं चल रहे अभी? अच्छा, बुआ का मोबाइल चल रहा है तो उससे चला था पता। अच्छा मैंने पहले ही कहा था बच्चों को टाइम पे चंडीगढ़ आ जाओ या चंडीगढ़ ही रह जाओ। ये ए और ये बी, ये क्यू, ये माइनस क्यू और ये जीरो, ठीक है जी। अब इसका मुझे याद है डेल्टा वी कल पढ़ाया गया मेरे को, तुम्हें भी याद है? Yes, sir. Yes, sir. V higher minus V lower, है ना? Yes, sir. या यहां से अगर हम C निकालेंगे Q by delta V, तो वो बन जाएगा 4 pi epsilon not AB by B minus A। लो भैया कैपेसिटी बन गई स्फेरिकल की। अब इसके नोट्स अगर फिर से वही हम मीडियम डाल दें यहाँ पे, इफ मीडियम ऑफ K, तो भैया ऐसे में कैपेसिटी के सी नॉट बन जाएगी, बोलो ओके। उसके बाद अगर
बी और ए लार्ज हो और बी माइनस ए डी स्मॉल हो, मतलब यानी कि ये सफियर दोनों बहुत लार्ज साइज के हैं, तो कॉमन सेंस है सफियर जब लार्ज होते हैं तो वो प्लेन बन जाता है ना, ये बात पहले ही बता चुका हूँ, रेडियस बड़ा होता है फ्लैटनेस की तरफ आ जाता है ना, इसका मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा आंसर आना चाहिए। और लेट्स चेक इट आउट, 4πε0, ठीक है, ए को लिख लेते हैं बी माइनस डी इंटू बी बाय डी, अब ये वाला डी निगलेक्ट कर दो, बन गया एप्साइलन नॉट 4πb² बाय डी, यानी कि एप्साइलन नॉट ए बाय डी, देखो आ गया ना आंसर वही वाला, तो ठीक है। रियल लाइफ में पता कैसे बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो आपने घर में खाना लपेटने वाली सिल्वर फॉयल देखी होंगी, तो ये मान लो दो सिल्वर फॉयल है, ठीक है, क्या मान लिया इनको पता लगा, दो सिल्वर, ये दोनों सिल्वर फॉयल है और ये बीच में रख लिया एक इंसुलेटर, अब ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो इसको फिर क्या करते हैं ऐसे करके होल्ड कर दिया और यहां से दो तारे निकाल के मार्केट में बिकने आ गया, और ये आपके पंखे में यूज होता है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसमें प्लेट्स कैसे लगी हुई है पैरेलल, फोल्ड क्यों किया था, ताकि एरिया कम ऑक्यूपाई करे अपने आप, जगह कम घेरे, ठीक है, और गल समझ आ गई, फोल्ड किया है दोनों को, हाँ जी दोनों को साथ में फोल्ड किया है जो दो पैरेलल करना चाहिए ना, तभी तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा पर एरिया बड़ा मिल जाएगा। ओके सर। अब अगर बी ए से बहुत बड़ा है, मतलब कि यू समझो कि सेकंड प्लेट उसकी इन्फिनिटी पे है, सिर्फ ए की प्लेट है, तो ऐसे में मैं लिखूंगा 4πε0 ए, बी को लिखूंगा ए प्लस डी बाय डी, अब क्योंकि ए छोटा तो ए को निगलेक्ट कर दो, डी से डी कट गया, ये बन गया कैपेसिटी ऑफ, हेलो हाँ गुड मॉर्निंग बेटे, हाँ बहुत, हाँ बेटे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर पुत्र मैं ना अभी क्लास से ना मैं आपको 12 बजे फोन करता हूँ, ठीक है, हाँ मुझे पता लग गया आपको सीट मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे, ठीक है बेटे, ओके ओके, आजकल वो चल रही है ना काउंसलिंग, पता है आप लोगों को, जी सर, तो जो आपके सीनियर्स हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है, तो वो खुशी के मारे फोन कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जा रहे हैं उनके, तो इसने बच्चे ने कल रात को मुझे मैसेज तो भेज दिया था सिलेक्शन का, इसको मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा इस बच्चे की देखो आपको दिखाता हूं मैं, आपको मोटिवेशन आएगी इससे, इनका बैच भी ये कोरोना वाले बैच में ही थे, ड्रॉपर बैच में था बच्चा, तो इस बच्चे का बैच शुरू हुआ था तकरीबन नवंबर के आसपास, ठीक है, तो पहले 15-20 दिन तो ऐसे ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, नंबर खासे नहीं आए पहले टेस्ट में, फिर मैंने वही बात बोला इस बच्चे को, मैंने पूछा तुम्हारी कौन सी स्टेट है, तो मैं पुरानी इसकी मैं व्हाट्सएप हिस्ट्री पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसने बताया मेरी स्टेट पंजाब है, तो मैंने पूछा इसका प्रेजेंट स्कोर क्या है तुम्हारा नीट का, मतलब जो ड्रॉप करने से पहले का स्कोर था, तो इसका स्कोर था बच्चे का 348 आउट ऑफ 720, 348 आउट ऑफ 720, तो इसको मैंने वही कहा, मैंने कहा बेटा तुम डेली का होमवर्क करो और मेरे को भेजो, ठीक है, और इसने बोला मैं कोचिंग फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, तो मैंने इसको एक टाइम टेबल बना के दिया जैसे आपको भी दिया था, और होमवर्क डेली भेजने के लिए बोला, तो आपको अच्छा मेरी स्क्रीन पर रीडेबल नहीं आएगी ऐसे, है ना, चलो कोई ना, हम 11 को मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी चैट, तो उसके बाद से डेली होमवर्क भेजता रहा, मतलब बहुत ओबीडियंट बच्चा था ये, डेली होमवर्क भेजता रहा, और अभी इसको गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर मिल गया, इसका नीट का स्कोर देखता हूँ उसने भेजा होगा मुझे,
अच्छा पर वो मैंने डिलीट कर दिया नीट स्कोर कार्ड इसका। पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है अमृतसर तो मान के चलो कि नाना करते 600 प्लस पे तो गया ही होगा ये, है ना। अभी फोन इसका दोपहर को होगी मेरे से बात। हाँ कर लिया मैंने डाउनलोड इसका नीट का स्कोर कार्ड। ये तो लास्ट ईयर वाला इसका 348 वाला 2021 वाला देखते हैं इसका स्कोर। हाँ जी 2021 वाला आ गया। इसमें इसके स्कोर आ रहा है 618 नंबर है जी 348 से 618। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है बच्चे की। और नवंबर का बैच शुरू हुआ आपका, शायद सितंबर का बैच शुरू हुआ है ना कि अक्टूबर वाला, सितंबर लास्ट में होता। आपसे कम टाइम मिला इसको हमारे साथ, पर डेडिकेशन के दम पे ही इसने अपनी सीट निकाल दी, ठीक है ना। तो ये चीज का मजा होता है कि बच्चा मेहनत करता है और देख के रिजल्ट अच्छा लगता है नहीं। तो यही चीज हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें और नेक्स्ट ईयर हम आपका किस्सा दें कि हाँ भी देखो एक अमनप्रीत कौर थी, ठीक है, हम आपके जूनियर्स को सुनाएंगे कि देखो अमनप्रीत कौर थी, पहले परेशान थी, फिर उसको हमने रास्ता दिखाया, बात मानी उसने, मेहनत की और आज देखो जी ये सो एंड सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। एक मजा आएगा बात का। तो ये चीज मैं आपसे कहता हूँ जान लगाओ पूरी कमी। और इस बच्चे की सिर्फ एक ही काबिलियत थी, देखो 348 नंबर अगर इसके से, तो आप समझ गए कि बच्चा पहले बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहा होगा ना। तो ये बच्चे की एक ही काबिलियत थी कि इसने ओबीडीएस से होमवर्क भेजा है। मतलब जब मिलेंगे मैं आपको इसकी चैट दिखाऊंगा, इसे डेली बेस पे होमवर्क भेजा बिना कोई एक्सक्यूज। मुझे इसके पीछे नहीं पड़ना पड़ा कि बेटे तू क्लास नहीं लगाता, कहां गायब है, क्यों नहीं क्लास लगा रहा बेटे, कहां गायब हो गया। और इसने मुझे वापस कोई कहानी नहीं सुनाई, चुपचाप क्लासेस इसने लगाई, इवन डाउट सेशन भी सारे लगाए। जो डाउट सेशन दोपहर को लगता है आपका, इनका भी लग रहा था, वो भी इसने अटेंड किए। हाँ जब डाउट नहीं है तो परमिशन ले लेगी, सर मेरे डाउट नहीं है, मैं लॉग आउट करके सेल्फ स्टडी कर लूं। तो मैंने कहा ठीक है बेटे तू कर ले सेल्फ स्टडी। तो वो डेडिकेशन का एक फर्क है, इसीलिए अभी पर्सनली मिलने आना चाहता है कि देखो सर भी आपने ब्लेसिंग दी, गाइडेंस दी, तो उससे रिजल्ट हमारा आया। तो इस करके जान लगाओ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कल आपकी छुट्टी है ना? यस सर। तो अब पढ़ाई करके सारा कैपेसिटेंस को बैकलॉग अच्छे से निकालना, ठीक है। आओ जी इसको सीख लेते हैं, कैपेसिटेंस वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है ये देखें, ये कहता है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया है, वैसे फॉर्मूला मैं एक और तरह भी बना के दे सकता था, पता है कैसे? सिंपली मैं ऐसे कहता, जब आइसोलेटेड ही है तो कैपेसिटी क्यू बाय वी, और आप इसको लिख लो क्यू बाय के क्यू बाय आर, है ना। ये आ गया सीधा 4πε0 × r, ठीक है जी। ये आ गया जी कैपेसिटी का फॉर्मूला। और इसको अगर आप अर्थ के लिए निकालते हो तो क्या करना होगा? अर्थ के लिए सीधा हम 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का, बाय 9 × 10⁻⁹, तो 711 माइक्रोफेरेड आ गया, जो मैंने आपसे कहा हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं। नागिता गल समझ आ गई? ओ सॉरी आयुषी राणा, आयुषी राणा बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब इसी में केस लेते हैं, इफ इनर प्लेट इज अर्थड, अगर अंदर की प्लेट अर्थ की जाए तो क्या होगा? भैया अब तो खुशबू को आ गया गुस्सा, कहती सर ये तो कैपेसिटर कहला ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर के लिए आपने तो कहा था कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल अपोजिट होना चाहिए, अब तो चार्ज इक्वल अपोजिट है ही नहीं। पर देखते हैं क्या इसकी कैपेसिटी बनती है, देखते हैं। भैया अब की बार ये हायर है और ये लोअर है, तो वी कल की क्लास पहले याद करूं, माइनस वी बी के क्यू
बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर था, तो हायर माइनस लोअर क्या बनेगा, के क्यू बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर, बोलो के। तो यहां से अगर हम सी निकालेंगे क्यू बाय डेल्टा वी करके, वो आ जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए प्लस फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो देखो खुशबू, ये कैपेसिटर नहीं है, तुम भी एग्री मैं भी एग्री, पर हम इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो कह सकते हैं, है ना? यस सर। और ये फॉर्मूला आज के बाद मैं याद करता कैसे रखूंगा रूहानी मनकोटिया, मैं याद रखूंगा स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटी यही होती है, ये देखो ये दोनों में आ रहा है। पर अब मैं कहूंगा जब इनर प्लेट अर्थ होती है तो क्योंकि कैपेसिटर नहीं है तो कॉम्बिनेशन है, एक आउटर को दोबारा गिनना है एज ए आइसोलेटेड स्फीयर, क्योंकि आइसोलेटेड का फॉर्मूला यही होता है, देख रहे हो? यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला इससे इजीली याद रह जाएगा ना। चलो आगे ले चलूं आपको, बैटरी किसे कहते हैं? देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, वरना ये टेंथ का सिलेबस है बैटरी या सेल, पर बेसिक से आपको प्रॉमिस किया तो वैसे ही पढ़ाएंगे। ये देखो जी, ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल दिखे तो इसी को बैटरी या सेल कहते हैं। इसमें ये वाली चीज होती है हायर पोटेंशियल पे और ये वाली होती है लोअर पे। बैटरी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है इट इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। V हायर माइनस V लोअर को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है? एक बैटरी में EMF नाम की चीज होती है, वर्क डन इन सेंडिंग चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो आपको याद होगा वर्क बाय चार्ज वोल्टेज ही होता है ना, तो EMF भी वोल्ट्स ही होते हैं। नाम इसका फोर्स चाहे है, बट इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि शुरू में ना नॉलेज जब नहीं थी फिजिक्स की उतनी, तो लोगों ने सोचा कि फोर्स है जो चीज को चलाती है बाय न्यूटन लॉ, पर यहां पर फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस चलाता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको पता लगा कीर्ति। यस सर। तो बेटे अभी के लिए हम आइडियल बैटरी पढ़ेंगे, फॉर आइडियल बैटरी या सेल तो उसमें EMF और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होती है। तो अभी आपको EMF वर्ड दिखे तो भी वही मानना, टर्मिनल वोल्टेज वर्ड दिखे तो भी वही मानना, ठीक है आयुषी राणा? यस सर। आपको पता लगे आयुषी राणा EMF कौन है, टर्मिनल वोल्टेज कौन है? अब एक ज्ञान और सुन लो, अगर मैं कहूं आपको कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें एक ही गारंटी है मेरी कि हाई और लो का डिफरेंस 10 वोल्ट है, बस और कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट होता है। पोटेंशियल अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता, इसके अरबों खरबों केस बन सकते हैं। जैसे ये हो सकता है ये 0 वोल्ट का 10 वोल्ट का डिफरेंस 10 आ रहा है, ये 10 हो ये 10 20 हो तब भी हो सकता है, ये -10 हो ये -20 हो तब भी हो सकता है ना, ये 0 हो ये -10 हो तब भी हो सकता है, मतलब अनंत केस पॉसिबल है। कहानी पता लग गई? यस सर। इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं होता, डिफरेंस एब्सोल्यूट होता है। दिव्या ठाकुर बात पता लग गई? यस सर। अच्छा जी, अब आपको ले चलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सिखाने, पर पहले एक मिनट की ब्रेक ले लो, पानी पुनी पी लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल है, पानी पी लो प्यास लगी है तो। हां जी चले आगे। यस सर।
देखो जी, ये है एक बैटरी, ये पोटेंशियल वी हायर, ये वी लोअर, वी हायर माइनस वी लोअर को बड़ा वी मान रहे, ठीक है। अब देखो ऐसा है, यहां पर पोटेंशियल है, ठीक है, इस जगह पे, और यहां पोटेंशियल नहीं है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल मैच नहीं हो जाएगा, क्योंकि द सरफेस ऑफ कंडक्टर हैज टू हैव सेम पोटेंशियल, है ना, इन इलेक्ट्रोस्टैट। तो जब तक पोटेंशियल मैच नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैट आएगा ही नहीं, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, चार्ज फ्लो करने को करंट बोलते हैं, तो तब तक करंट चलता रहेगा गगनप्रीत। यस सर। मान लो यहां क्यू चार्ज पहुंच गया, अब क्यू पहुंच गया, हम चाबी बंद कर चुके हैं, पहले बता दूं क्लोज के, क्यू पहुंच गया तो सामने पहुंचेगा माइनस क्यू, बोलो ओके, तो बाहर जन्म लेगा प्लस क्यू, तो यहां से नेगेटिव वाले से जाएंगे इलेक्ट्रॉन और वो इस प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बोलो ओके। यस सर। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं आज के बाद सिंपल वे में कि बैटरी के पॉजिटिव से जितना प्लस क्यू चार्ज आता है, बैटरी के नेगेटिव से उतना ही माइनस क्यू आता है, सिंपल शब्दों में बात ठीक है। जी सर। अब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, छोटा वी मान लेते हैं, जो कि क्यू बाय सी है, पर अभी इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल वी हायर से मैच नहीं किया, यानी कि अभी भी बैटरी को और चार्ज भेजना पड़ेगा, ठीक है स्नेहा। जब बैटरी और चार्ज भेजेगी तो जो चार्ज पहले से मौजूद है वो नए आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, हाँ रिपेल या कह लो पोज, तो बैटरी को फाइट करनी पड़ेगी चार्ज भेजने के लिए, वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर इन सेंडिंग डी क्यू, भैया वर्क का फॉर्मूला ही चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बोलो ओके। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर इन चार्जिंग कैपेसिटर, भैया वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू, जीरो से क्यू, है ना, और यही वर्क बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। लो जी, फॉर्मूला पता लगा एनर्जी स्टोर का, एनर्जी स्टोर क्यों होती है पता लगा, है जी। सर वर्क डन से पहले वाला रिपीट कर दोगे प्लीज? क्या चीज, मुझे तो पता नहीं क्या चीज रिपीट करनी है। सर जो पोटेंशियल आपने जो अलग अलग लिए, एक वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, उसके बाद जो बोला, मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर डिफरेंस आ गया छोटा वी, जो कि क्यू बाय सी है, पर अभी ये वोल्टेज से मैच नहीं करी तो बैटरी और चार्ज भेजेगी डी क्यू, ठीक है, और जब और भेजेगी तो पहले से मौजूद चार्ज और रिपेल करेगा ना उसको, ठीक है, तो रिपेल करेगा तो वर्क करना पड़ेगा बैटरी को कैपेसिटर पे, और ये वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज हो गया मतलब वी पॉजिटिव वी हायर के बराबर हो चुका है, वी नेगेटिव वी लोअर के बराबर हो चुका है, तो वोल्टेज मैच हो चुकी है, पता लग गया। तो अब मैं कहना बात करना चाहता हूं, इन स्टेडी स्टेट करंट जीरो है, यानी कि कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट,
यानी कि ओपने में सब कोई करंट नहीं जाने देता। ठीक है सृष्टि शर्मा? यस सर। और अगला ज्ञान सुनो कि कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि कैपेसिटर की वोल्टेज इसके डिफरेंस से मैच हो गई है। मतलब अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट हो गया। अगर आपने बैटरी बदल दी, 10 वोल्ट हटा के 20 वोल्ट लगा दी, तो कैपेसिटर कहेगा नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट चार्ज, गिव मी मोर चार्ज, मैं चार्ज नहीं हूं। वो और चार्ज मांगेगा जब तक वो कितना हो जाए 20 वोल्ट। आपने बैटरी हटा के 5 वोल्ट की लगा दी, वो कहेगा मैं ओवर चार्ज हूं, मेरे से चार्ज वापिस लो, तो लौटा के इसको 5 वोल्ट करेगा। ऐसे समझो कहानी से कि दिनेश किसी के यहाँ गेस्ट बन के गया और उन्होंने दिनेश को खूब सारा खाना खिलाया, पेट भर के दिनेश ने खाना खा लिया। अब दिनेश ने कहा मैं पूरा चार्ज हूं, फुली फिल्ड हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा हमने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई थी। तो कहेगा ओहो चलो आने दो, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बैटरी 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की लगा दी। इसने कहा सेंड मी मोर चार्ज, मैं खीर भी खा लूंगा। फिर इसने कहा अब मैं फुली चार्ज हूं। उन्होंने बैटरी बदली, उन्होंने कहा अच्छा हमने करेले भी बनाए थे वो देना भूल गए पहले। एक कहा ना ना अब कुछ मत दो, वॉमिटिंग आ रही है, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी की कह रहे चार्ज मैं वापस कर दूंगा। ठीक है फिर से अगर अच्छा हमने गुलाब जामुन बनाए थे, एक कहा चलो थोड़ा सा आने दो, गिव मी सम मोर चार्ज। ऐसी है ना दिनेश? यस सर। तो पता लग रहा है चार्ज का मतलब क्या है कि जस्ट वोल्टेज मैच होना। ठीक है यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला ज्ञान। अगला ज्ञान क्या है भैया? ऐसा है बैटरी ने तो यहां से चार्ज भेजा ना, क्यों वोल्टेज अपनी वोल्टेज वी के अक्रॉस है ना। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं वर्क डन बाय बैटरी इन सेंडिंग, बैटरी ने तो क्यों भेजा है अंडर पोटेंशियल वी, तो बैटरी का वर्क तो क्यों वी है, पर कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ है? ओह ये मैंने दो बार लिख दिया एक ही फॉर्मूला है ना। इसको हाफ क्यू वी लिख देते हैं ना, जो यहां भी लिखा था एरिया से, ये तो इसका मतलब एक बात पता लगी, 50% इज स्टोर्ड है ना इन पोटेंशियल जी फॉर्म, और बाकी 50% कहां गया जो बैटरी ने वर्क किया था, इज डिसिपेटेड, वो वेस्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वेस्ट हो गया भैया? हीट की फॉर्म में, क्योंकि करंट चला है तारों में तो हीट पैदा हुई होगी। चिंगारी की फॉर्म में, आपने आइसोलेटर कैपेसिटर को जोड़ा है बैटरी के साथ तो कुछ चिंगारी निकली होगी उस फॉर्म में। पता लग गया बच्चों? Yes, sir. अब अगला सवाल उठता है कि ये एनर्जी स्टोर कहां और किस फॉर्म में हुई है। भैया देखो ये कैपेसिटर है, जो मैं इसका प्रिंसिपल कह रहा था कैपेसिटर का, कि बड़ी छोटी जगह में एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुई है। तो यानी कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स। और यहां से मेरे को ना एक बात समझ आती है, पता है क्या, कि मैं कहीं ना कहीं आज ईएम वेव्स का बेस बना रहा हूं आपके दिमाग में, कि मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कैरी एनर्जी इन वैक्यूम, क्योंकि प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैक्यूम है, तो यानी कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैरी कर सकता है। तो क्या मैं आपके लिए ईएम वेव्स का बेस नहीं बना रखी? ईएम वेव वैक्यूम में क्यों चल पाती है? क्योंकि ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कैरी एनर्जी इन वैक्यूम। पता लगा साक्षी कुमारी? साक्षी कुमारी ओके?
अश्विनी चौहान मेरी आवाज आ रही है? यस सर। साक्षी कुमारी को नहीं जा रही आवाज मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। खुशबू जी आपको पता लग गया? यस सर। आओ जी फिर। अब क्योंकि एनर्जी प्लेट्स के बीच में स्टोर हुई है, इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, तो इस करके हम डिफाइन करते होते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी? एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम। अरे यार ये तो फॉर्मूला देखा है मैंने कहीं पहले। देखा? Yes, sir. और ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन है ना डिबेट है कुछ फोर्स बिटवीन प्लेट्स में देखा था ना हमने। Yes, sir. तो इसी को लिख देते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यानी कि अब ये डेरिवेशन करने का एक तरीका भी और दिमाग में मेरे आया, पता है क्या? मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भैया जब कैपेसिटर होता है दो प्लेट्स में, हम अगर दोबारा नए तरीके से देखें कि हम दो चार्जेस अपोजिट और इक्वल डी दूरी पे रख रहे हैं तो हमारा जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल बनेगा, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। बोलो ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होती है, डिस्प्लेसमेंट ये है। तो आप इसको सिग्मा को लिख लें चार्ज बाय एरिया, है ना, एप्सिलॉन ए बाय डी सी होता है। तो यहां से वर्क डन क्या बन जाएगा, क्या उसके बाय टू सी। गल पता लग गई? ओके पूजा वर्मा, तो पता लगा पोटेंशियल जी ऐसे भी ट्राई हो सकती है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हम ना कैपेसिटर में दूरी d से उठाकर d डैश यानी कि 2d करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार एक घटना करेंगे बैटरी लगे हुए विद बैटरी, एक बार करेंगे विदाउट बैटरी जब बैटरी नहीं लगी हुई। और चेंज किस किस पे देखेंगे हम? हम देखेंगे कैपेसिटी पे, वोल्टेज पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है जी। सबसे पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला उठाएं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है ना, तो दूरी हो गई डबल तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी। बोलो मानते हो? यस सर। यस सर। अच्छा अगला ज्ञान, साक्षी कुमारी लौट आए आप? यस सर। कहाँ चले गए थे? सर वो आज नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके तो आप वीडियो ऑफ कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा लगा मुझे, सिंसियर स्टूडेंट बने आप, अपने वीडियो ऑन किया आज, ठीक है, अच्छा लगा। अब आप ऑफ कर ले पर ताकि आपका नुकसान भी ना हो। चलो बढ़ू मैं आगे। खुशबू? यस सर। तो अब देखो बैटरी का नाम ही होता है सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, तो यहां पर वी सेम रहेगा। पता लग रहा क्वेश्चन कैसे करना है?
और ये क्योंकि विदाउट बैटरी है तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में चार्ज कंजर्व होता है ना? यस सर। तो लो भैया ये भी पता लग गया। अब इसमें क्यू को निकालो सी वी करके, तो सी आधा हो गया तो क्यू भी आधा हो जाएगा। इसमें वी को निकालो क्यू बाय सी करके, तो क्यू सेम है सी आधा हो गया तो वी डबल हो जाएगा। तो गल पता लग रही है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो फॉर्मूला हैं, एक वी बाय डी और एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें समझदारी है वी बाय डी लगाना क्योंकि वी सेम है, इसमें डी डबल हुआ है तो फील्ड आधा हो जाएगा। बोलो ओके। यस सर। और इसमें समझदारी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाना, यानी कि क्यू सेम है तो फील्ड भी सेम आएगा, है ना जशन? यस सर। और इसमें समझदारी है हाफ सी वी स्क्वायर लगाना क्योंकि वी सेम है तो सी आधा हो तो एनर्जी आधी हो जाएगी। इसमें समझदारी है क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगाना। समझदारी वर्ड क्यों बोल रहा हूं पुष्पेंद्र, पता लगा कि फॉर्मूला तो कोई भी लग सकता है पर समझदारी में इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट है क्यू तो मेरे लिए आसान होगा ना देखना। फॉर्मूला तो एनर्जी के तीन है ना, कोई सा लगा लो। पर अगर वोल्टेज सेम है तो ये समझदारी है लगाना, चार सेम है तो वो समझदारी है। पता लग रहा है? यस सर। तो यहाँ पर एनर्जी डबल हो जाएगी क्योंकि सी आता हो गया। आई होप पता लग गया सृष्टि शर्मा। यस सर। चलो बढ़ू आगे। यस सर। चलो अब जा रहे हैं हम कैपेसिटर्स इन सीरीज पढ़ने। बड़े ध्यान से सीखना, फंडामेंटली सिखाऊंगा सब कुछ, कुछ रटवाऊंगा नहीं, ठीक है? फंडामेंटली देखो, देखो भैया इस चाबी को बंद करो किलोज के, चाबी को बंद करके आपको मैंने सिखा दिया है बैटरी के पॉजिटिव से जितना प्लस चार्ज जाता है बैटरी के नेगेटिव से उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ माइनस क्यों आ जाएगा? ओके भाई। यस सर। जब यहाँ क्यों है तो सामने जन माइनस क्यों लेगा, बोलो ठीक। यस सर। अब ये देखो सिस्टम आइसोलेटेड है, ध्यान से देखना है ना? यस सर। यस। अगर यहाँ माइनस क्यों हो तो इस जगह से प्लस क्यों छीनेगा वो, मतलब यहाँ प्लस क्यों बना देगा। यस सर। अब इसका मतलब यहाँ आगे माइनस क्यों पैदा होगा निमित्ता परिहार, और इसका मतलब यहाँ प्लस क्यों आएगा। इसका मतलब मैं अब एक सबक देना चाहता हूं जो मैंने प्रूव करवाया है, इन सीरीज क्यू इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। बोलो प्रूव हो क्या है? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद एक और बात भैया, वी हायर माइनस वी लोअर, मैं कहता हूं वो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी डी और वी डी माइनस वी ई है, बोलो मानते हो? यस सर। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन सीरीज पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोलो ठीक है? यस सर। अब इसको लिख सकते हैं हम क्यू बाय सी सीरीज, क्यू बाय सी वन, क्यू बाय सी टू, क्यू सारा कट जाएगा यहां से कार्तिक सिंह, तो ये आंसर आएगा। बोलो ओके। यस सर। इसका मतलब मैं
एक बात और कहना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला तो स्प्रिंग इन सीरीज से मैच कर रहा है। मैंने आपको अक्षिता एक पहले शॉर्टकट याद कराया था, चंदू के फ्री पकौड़े लस्सी और रसमलाई के साथ, याद है आपको? तो ये वही चीज है ना, कैपेसिटर, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोकल लेंथ, इलेक्ट्रिकल पावर, इंडक्टर और रजिस्टर, तो इनके सीरीज के फॉर्मूला इनके पैरेलल के फॉर्मूला से मैच कर रहे हैं। क्या मैं ये बात पता लगी पूजा वर्मा? यस सर। और अब मैं यहां से पूजा वर्मा एक शॉर्टकट बना के देना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, वो कहेंगे सी एस बता दो, ऑप्शंस देंगे वो 3 माइक्रोफेरेड 7 माइक्रोफेरेड 7/12 माइक्रोफेरेड 12/7 माइक्रोफेरेड। आप क्या करेंगे, आपको पता है टीचर ने ये पढ़ाया है, फॉर्मूला लगाएंगे आप, हमें पेपर करते हुए जल्दी भी होती है, नजर आंसर की तरफ भी होती है, आप ये टिक करेंगे, घर आ जाएंगे और कहेंगे वाह पेपर बहुत अच्छा हुआ, बाद में रिजल्ट आता है कहते हैं ओहो सिली मिस्टेक हो गई थी, होता है ना ऐसा पुष्पिंदर? यस सर। क्योंकि ये गलत आंसर था, सही आंसर तो ये आना था ना। यस सर। गलती ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम दो ही कैपेसिटर होते हैं सीरीज में। मैं आपको एक हैंडी फॉर्मूला बना के देना चाहता हूँ, यहीं से ऐसे लिखो 1/C1 1/C2 और फॉर्मूला बना देते हैं आपके लिए सी एस का C1 C2 by C1 C2, मतलब देयर प्रोडक्ट बाय देयर सम, याद रहेगा ऐसे ही, कोई याद रहेगा? यस सर। पर ये कितने कैपेसिटर्स पे लगाने हैं? दो। हाँ कल को दो से ज्यादा हो तो बेसिक लगाना, तीन पे मत लगा देना, या फिर एक काम करना, अगर तीन का आएगा पहले दो को सॉल्व करो इससे शॉर्टकट से, फिर जो आंसर बने उसको तीसरे से दोबारा शॉर्टकट लगाओ। पता लग गया दिनेश? यस सर। ये सिर्फ दो के लिए बनाया काके मैंने, ठीक है? अगला पोटेंशियल एनर्जी की अगर रेशियो लेनी है तो यहाँ पे, हाँ जी सर, ये दोबारा बता दोगे आप थर्ड पॉइंट? पक्का बता देंगे जी। मैंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है दो क्वेश्चन सीरीज में होते हैं, तो एक हैंडी फॉर्मूला मैंने कहा याद कर लो, जब भी दो क्वेश्चन आएंगे देयर प्रोडक्ट बाय देयर सम, ठीक है? ओके जी। यस सर। अब अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो एनर्जी है, क्योंकि क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c ले लो, और ये जो आएगा ये सी के इनवर्सली आ रहा है, दिखाई दिया? हाँ जी सर। उसके बाद सी एस का आंसर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल होता है, मतलब जो सबसे छोटा है सी एस उससे भी छोटा होता है, पता लगा? अगर सारे कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो सी एस को सीधा सी बाय एन भी लिख सकते हो, ये टाइम सेवर शॉर्टकट है, पता लगा? और अगला पॉइंट, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाए, फिर से दो के लिए फॉर्मूला बन रहा है, ये सब जगह मत चिपकाते फिर ना, ठीक है? यस सर। और वो कहें भैया वी वन बताओ, आप क्या करोगे, आपको पता है यहां से जो क्यू चलेगा, क्यू ने होना है सी एस इंटू वी, है ना? सी एस का आंसर ये है, याद करवा दिया मैंने, तो वी वन ने क्या बनना है, क्यू बाय सी वन, बोलो। ओके यस सर। यानी कि सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इंटू वी, ठीक है? आपके लिए हैंडी शॉर्टकट क्या बना, अपोजिट आर्म बाय सम ऑफ आर्म्स ठीक है, यस सर, इंटू अप्लाइड वोल्टेज, बात पता लग गई? यस सर। लो जी दिव्या ठाकुर यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। ये जो हाँ बोले बोले प्लीज सर, जो पीछे वाले डायग्राम में जो सर बी वाला था जहाँ पे कैपेसिटेंस आइसोलेट हो गई थी,
सर वो पॉइंट जहाँ पे सर माइनस सर डायग्राम में ऊपर ये नो सर उस तरफ कैपेसिटेंस इन सीरीज ये प्लेट आइसोलेट है ना आइसोलेट में चार्ज ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता है तो अगर यहाँ माइनस क्यों आया तो इस तरफ प्लस क्यों आएगा ना तो सर डी वाले में भी तो हो सकता है डी वाला तो कनेक्ट ही नहीं है इसके साथ आप ध्यान से देखो कनेक्शन कहाँ है आपके लिए मैं अलग से कलर कर देता हूँ इस सिस्टम का ये सिस्टम आइसोलेट है ना यस सर अगर यहाँ माइनस क्यू है तो वहां प्लस क्यू आएगा ना यस सर समझाया पुत्र यस सर हाँ जी और बताए हाँ जी दीपांशु जी पॉइंट बताना सर छह नंबर पांच बेटे मैंने कहा जो सी एस का आंसर आएगा ना वो सबसे छोटा होगा जैसे मान लो एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड और एक 2 लाख माइक्रोफेरेड है तो आपका आंसर छोटे से भी छोटा आएगा मतलब 2 से भी छोटा आंसर आएगा अगर सीरीज में लगेंगे तो आंसर छोटे से भी छोटा होगा ठीक है ओके पुत्र दीपांशु ओके मेरे बच्चे चलो अब जा रही है इन पैरेलल देखो अगर ये भी हायर है क्योंकि ये कंडक्टर का सरफेस है कंडक्टर सरफेस क्या होता है सेम पोटेंशियल पे हाँ तो यानी कि इनका पोटेंशियल मैच कर जाएगा इनका पोटेंशियल मैच कर जाएगा यानी कि इन पैरेलल पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होता है बोलो हाँ के ना यस सर अगर यहां से क्यू चार्ज चलेगा ये सी वन है सी टू है सी थ्री है यहां गया क्यू वन यहां गया क्यू टू यहां गया क्यू थ्री तो भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है पता लग गया यस सर काफी तकलीफ से पता लगा किसी को नहीं पता लगा तो दोबारा पूछ लो भाई कितनी तकलीफ में काहे हो लग गया सर ओके अच्छा खुशबू की ही आवाज थी क्या पहले यस सर ओके चलो अब भैया सी पैरेलल इनटू वी सी वन इनटू वी ये वी सेम क्यों आ रहे पता लग रहा है देखो मैंने तुम्हें रटवाया नहीं है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है रट्टा मार लो प्रूव करके दिखाया क्यों सेम आई है पता लगा है अब इसके नोट्स पहला सीपी का आंसर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होगा वो क्या था स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल है ना yes, sir. फिर पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो अगर लेनी है इसमें फॉर्मूला समझदारी रहेगी हाफ सी वी स्केयर लगाना यानी कि आप कह सकते हो सी वन वी स्केयर सी टू वी स्केयर तो ये बन जाएगी सी वन इज टू सी टू है ना और अगर सभी कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो सीपी का आंसर एनसी हो जाएगा देखो जी गल पता लगी यस यस सर कल छुट्टी है यस सर क्या प्लान्स है स्टडी हाँ जी आज जसलीन का आया हुआ क्लास से है ना मैं देखा छुट्टी के साथ छुट्टी जोड़ ली बच्चों ने पहली चलो आओ जी अब आपको मैं पहले होमवर्क की फोटो दे दूं दूसरे बैच की फाइल खोल के एक मिनट क्योंकि मुझे याद आ गया कल छुट्टी है तो आप बोर हो सकते हैं एक बार कंपैरिजन भी कर लेंगे सारा काम उनके बराबर हमने कर लिया कि नहीं कर लिया देखो जी ये पेज पढ़ा दिया गया आपको ये भी करा दिया गया सफेरिकल
ये भी करा दिया गया है, ये भी करा दिया गया है, स्टेडी स्टेट ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, वाह जी वाह, सब करा दिया आपको बराबर। लो जी अब आप ये होमवर्क नोट करें, ये लिखा है एक तो आरपीएस सात करनी है, ग्रुपिंग वैसे मैंने सिखा दी है तो वही बात कहूंगा कि या तो आपका मन हो तो सीरीज पहले का सवाल कर लेना, क्योंकि मैं भी सवाल तो नहीं करा पाया आज, सवाल अब मैं परसों ही कराऊंगा, तो क्वेश्चन कर लिए और आपसे हो गए तो अपने बारे में खुश हो जाना कि देखो हमने बिना पढ़ाई कर लिए, नहीं करे और ना हुए तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना, मैं परसों कराऊंगा वैरायटीज। आज आप ग्रुपिंग के अलावा आरपीएस सात कर लो, उसमें से ग्रुपिंग के सवाल छोड़ देना, तो ग्रुपिंग ऑप्शनल में डाल दिए मैंने, और असाइनमेंट के 1 से 25 सवाल कर लो क्योंकि ग्रुपिंग के नहीं है। गल पता लग गई? Yes, sir. चलो जी अब आज की क्लास की फोटोज और पेजेस देखने शुरू करते हैं, अपना फाइल खोलकर। होमवर्क नोट कर लिया था आज का? Yes, sir. Yes, sir. चलो लो जी ये है आज का पेज 1। देखो जी कोई डाउट? डाउट हाँ जी चलो ये है पेज 2। नोट्स का सेकंड पॉइंट दोबारा बता दू? सेकंड पॉइंट कहता है अगर बी और ए दोनों लार्ज हो, मतलब ये अगर सफिया लार्ज होगा तो ये वो बनने लगेगी ना पैरेलल प्लेट्स, तो वही मैंने प्रूव कर दिखाया कि आंसर पैरेलल प्लेट से मैचिंग आ गया। ठीक है सर। हाँ जी ये आ गया जी पेज नंबर 3। सर ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बताना प्लीज। ईएमएफ होता है बेटे कितना वर्क करती है बैटरी इन सेंडिंग चार्ज, तो नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पर ये वोल्ट ही होती है कि वर्क बाय चार्ज, आपको याद होगा वर्क क्यू भी होता है ना। यस सर। तो वर्क बाय चार्ज वोल्टेज ही आएगी ना, तो नाम उसका ईएमएफ है, और टर्मिनल वोल्टेज है टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो मैंने कहा अगर बैटरी आइडियल हो तो दोनों बराबर ही होते हैं, यानी कि अभी के लिए बराबर ही है, रियल बैटरी अगले चैप्टर में आएगी वहां सीखेंगे। लो जी पेज नंबर 4। ओके जी यस सर। चलो पेज नंबर 5। आज हमारा दोपहर को डाउट क्लास भी है ना शायद? यस सर। उसमें हम वही आरपी असाइनमेंट कर लेंगे, आगे जो भी रह गया हो देख लेंगे। चलो पेज नंबर 6। डन है जी? बस 6 पेज है सर। 6th पेज दोबारा दिखा दो। वे आपके 6 पेज में, उनके तो 8 थे, राइटिंग का फर्क है। और देखो मैं करा तो काम सारा ही दिया था, इसमें मिसिंग है सर। सीरीज और पैरेलल वाले नहीं है? सीरीज और पैरेलल सीरीज पैरेलल के मिसिंग है। यस सर।
अच्छा ये पेज बीच में से खाली एक आ गया है ना। हाँ तभी मैं भी कहूँ पेज तो आठ थे, छह कैसे रह गए। हाँ ये सातवां है भैया और ये आठवां है। मेरे तो हर क्लास में पेज भी गिने होते हैं, बराबर सिलेबस बराबर पेज सब कुछ सेम कराता हूँ सब बैच में, ताकि किसी बैच में किसी बच्चे का कुछ मिस हो जाए तो वो दूसरी बैच में क्लास अटेंड कर सकता है फिजिक्स की, ताकि उसका नुकसान ना हो। सेवंथ पेज ये लो सर, सिक्स पेज लो जी, सिक्स पेज। हाँ जी और कोई डाउट सर? सेवंथ में लास्ट रिवीजन सेवंथ में लास्ट डेरिवेशन ये है जी, अगर हमसे कोई वोल्टेज मांगता है ना, ठीक है सी वन के पास वोल्टेज बताओ, तो हम क्या करेंगे पहले हम चार्ज देखेंगे ऐसे कितना चला सी वी करके, फिर वोल्टेज आ जाएगी क्यू बाय सी करके, ठीक है। तो हमने शॉर्टकट याद कर लिया अपोजिट आर्म बाय सम ऑफ आर्म्स इनटू अप्लाइड वोल्टेज, लगा पता? हो गए सारे पेज बच्चों? सर अगर हमसे कुछ पूछे भी हमें गुड कैपेसिटर चाहिए तो हम गुड कैपेसिटर किसको कहेंगे? गुड कैपेसिटर हमें तो हाई कैपेसिटी चाहिए ना, तो हाई कैपेसिटी तो कैसे आएगी, एरिया बड़ा करके प्लेट्स को पास करके और मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई करके, है ना। एप्सिलॉन ए बाय डी है ना, तो एरिया बड़ा डी छोटा और एप्सिलॉन नॉट के साथ के डाल लो, मतलब मीडियम हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। पता लगा दीपांशु सर? वो लास्ट में जो फॉर्मूला वहां पे क्या लिखा आपने, वी वन इज इक्वल टू जो इंग्लिश में अपोजिट आर्म, अपोजिट आर्म क्योंकि अपोजिट आर्म इसकी सी टू है ना। हाँ जी, तो अपोजिट आर्म सी टू बाय सम ऑफ आर्म सी वन प्लस सी टू इंटू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। दीपांशु आपको पता लग गया? सर लग गया पता। चल और कोई क्वेरी किसी के मन में? चलो ओके जी, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ।